चाचा चौधरी और चंपत की बिल्ली। एक दिन साबू फुटबॉल खेल रहा होता है। ओह, दिल कुछ ज्यादा जोर से लग गई है। फुटबॉल शहर के बाहर चली गई है, जाकर लाऊं। चाचा चौधरी के घर पर टेलीफोन बजता है। हेलो श्रीमान, मैं आ रहा हूँ। अरे दूध तो पीते जाओ। मेज पर रख दो भगवान, मैं लौट कर पी लूंगा। रास्ते में, चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? चंपत, राष्ट्रपति ने सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। धनपत, राष्ट्रपति चाचा चौधरी को सलाह मशवरे के लिए क्यों बुलाता है? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। राष्ट्रपति उसकी सहायता से देश विदेश के कई समस्याओं को हल करते हैं। इधर चाची। ओह, 11 बज गए, मुझे पड़ोस में एक पार्टी में जाना है। दूध मेज पर रख दिया है, वह आकर पी लेंगे। चाची घर से बाहर चल देती है। धनपत, चाची भी जा रही है लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। चंपत, चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगता, समझे? यह तो बड़ी अच्छी बात है। पूसी, चाचा चौधरी अपने दूध का गिलास मेज पर रखने को कह गए थे, अब घर में कोई नहीं है। जाओ और लपर लपर करके सारा दूध पी जाओ। बिल्ली तेजी से घर के अंदर घुस जाती है और उससे तेजी से वापस आती है। अरे तुम वापस क्यों लौट आई? चंपत घर के अंदर घुसता है। चलो पूसी ना सही, मैं ही अंदर जाकर मलाई वाला दूध पीता हूँ। घर के अंदर से चंपत के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ। और चंपत दौड़ता हुआ बाहर आता है, बचाओ। चाची, राकेश वापस आ जाओ, मैं आ गई हूँ।